पांच, किसी फर्म के 75% कर्मचारी कुशल है तथा शेष अकुशल कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत है। अगर 75% कर्मचारी कुशल श्रमिक है तो 25% कर्मचारी अकुशल होते हैं। ठीक है, माना क्वेश्चन नंबर पांच, माना दो टाइप का वर्ग है, एक कुशल कर्मचारी दूसरा अकुशल। ठीक है, कुशल मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जो ट्रेनिंग लिए हैं, है ना, अकुशल मतलब जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। माना कुशल कुल कर्मचारी का करते ना, पर माना क्वेश्चन में पूछा है, माना कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या मान लेते कितना है, वो 100 है। एक्स लिखे बनाऊ मतलब मेरा आंसर जल्दी आ जाकर लगता है। ठीक है, एक्स लिखे बनाता हूँ मैं, एक्स है। ठीक है, तब कुशल कर्मचारियों की संख्या, कुशल कर्मचारियों की संख्या कितना बोला है, 75%। इसका 75% मैं निकालूंगा, एक्स का 75% निकालूंगा मैं, तो मेरा आएगा 0.75x आ जाएगा। ठीक है, अगर कुशल कर्मचारियों की संख्या 0.75 है तो अकुशल जो दूसरा वर्ग है, अकुशल कर्मचारियों की संख्या कितना होगा, 0.25x, क्योंकि x में से 0.75 माइनस कर तो 2.5 आएगा, या कुछ नहीं बोला क्या, एक एक में से इसको घटा तो ये आ जाएगा। अब बोला है पहला वर्ग का 20%, 80% स्थाई है। ठीक है, पहला वर्ग मतलब कौन सा वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन बोला है पहले वर्ग मतलब कुशल, है ना, पहले वर्ग मतलब कुशल कर्मचारियों का 80% स्थायी कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी। ठीक है, तो इतना जगह नहीं होगा तुम्हारे में, ध्यान देता हूं, पहले बार मतलब कुशल कर्मचारियों का 80% स्थायी कर्मचारी। ठीक है, तो कितना आएगा, ये इतना 0.75 है, कुशल श्रमिक 0.7x का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। सेम उसी तरह से दूसरे वर्ग मतलब अकुशल। ठीक है, अकुशल कर्मचारियों, अकुशल कर्मचारियों का 20% स्थायी कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी। तो कितना है अकुशल कर्मचारी, 0.25 है, 0.25x का 20% कितने होंगे, हम निकालते हैं। ठीक है, इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 0.6x आएगा, इसका मैं इससे गुणा करूँ तो 0.05x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुल स्थायी कर्मचारी कितने हुए, कुल स्थायी कर्मचारी पहले कुशल वर्ग का 0.6x प्लस इसका 0.05x इक्वल टू हो जाएगा 0.65x आ जाएगा। ठीक है, ये कुल स्थायी कर्मचारी हो गए। अगर कुल स्थायी कर्मचारी इतने हैं तो कुल अस्थायी कर्मचारी, कुल अस्थायी कर्मचारी की संख्या, है ना, कर्मचारी की संख्या या कर्मचारी देते हैं, टोटल कितना है, एक्स है पूरे फैक्ट्री में, एक्स है, है ना, कुल कर्मचारी संख्या कितनी, एक्स है पूरे कुल फैक्ट्री में। इसमें से 0.65 कुशल है, स्थाई है, स्थाई मतलब परमानेंट है, तो बचे कितने, ये 1 में से इसको माइनस करते हैं तो 0.35x ये कुल अस्थायी कर्मचारी। ठीक है, हमारे अनुसार कुल अस्थायी कर्मचारी कितना है, 0.35x, और क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है, 63, प्रश्न अनुसार
ठीक है, प्रश्न अनुसार, ठीक है, अस्थाई कर्मचारी कितना है, 63 है, अस्थाई कर्मचारियों की संख्या, अस्थाई कर्मचारी कितना दिया, वो 63 दिया रहा, हमारे कॉलेज कितना, 0.35x = 63, ये हमारे अकॉर्डिंग आया था, ये हम लोग सॉल्व एक्स के बराबर कितना आया था, ठीक है, ये इसके साथ कितना है, तो एक्स इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 0.35, तो निकालो कितना रहा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, देख लो एक बार आप लोग चेक करके, तो ये हो गया हमारा 0.35 से डिवाइड कर दो 180 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा कुल कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या कितना है, देख लो एक बार,